रुपया अभी मिलेगा सेंट्रल से, पढ़ा है इसको बारे में, हम लोगों ने बात किया है। और सारे बहुत सारे स्कीम है, जैसा 96,655 करोड़ का माफी रुपया हमको मिलेगा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से। और रुपया थोड़ा देने के लिए हमने बोला कि हमारा स्टेट कैसे चलेंगे अगर सेंट्रल का जो रुपया देना था और रुपया अगर रुक दिया गया तो उन्होंने कहा है कि ठीक है हम देख लेता है परिस्थिति क्या है, परिस्थिति देख के बताएंगे। दूसरी बात यह है, हम BSF का बारे में चर्चा किया, मैंने ये बात जरूर किया कि हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर इज वेरी इम्पोर्टेंट है। हमारा देश में फेडरल स्ट्रक्चर को जबरदस्ती करना नहीं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने का बात है। और इसी के लिए वो BSF को ज्यादा पावर देने से, ऐसे BSF हमारे एनिमी नहीं है, हमारा ऐसा कोई एतराज नहीं है, आई रेस्पेक्ट ऑल द एजेंसीज, लेकिन इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर का साथ कॉन्फ्रंटेशन होता है। कि आपने देखा BSF हमारा उधर में बहुत सारे गोली चला दिया, तीन चार दिन पहले भी गोली में 3 गरीब जनता को मौत हुआ कुछ भी और डिस्ट्रिक्ट में, इसका पहले भी बहुत सारे मौत हुआ, कभी दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, कभी उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, कभी कुछ बिहार में, कभी मालदा में, कभी मुर्शिदाबाद में, कभी उत्तर 24 परगना में, बहुत बॉर्डर में मौत हुआ। तो इसी के लिए हमने कहा कि अगर आपको बॉर्डर संभालने के लिए बॉर्डर को सिक्योरिटी का जो काम है उसको करने दो, अगर स्टेट से ज्यादा मदद आपने मांगने चाहते हैं तो स्टेट आपको मदद करने के लिए देश का हित में तैयार है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को अननेसेसरली डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। इसको बारे में आप चर्चा कीजिए और BSF को जो आप जो कानून बनाया वो कानून को आप उठो करिए, इसमें हम बात किया। तीसरी बात यह है, हम कोविड के बारे में चर्चा किया कि 12 से 18 साल तक उसका बारे में अभी तक पॉलिसी डिसीजन कोई नहीं है, अगर पॉलिसी डिसीजन हो जाएगा तो हम एक काम भी कर सकता है, हमारा और भी डोज चाहिए जो है, एक जिसको दे दिया 2 नंबर हम दे रहा है, हम ऐसे 8.5 करोड़ का ज़्यादा हमको दिया हो गया है और जो बाकी है वो हम देते हैं, लेकिन 12 से 18 साल तक इसको लिए क्या पॉलिसी है कि स्कूल भी अभी खुल गया तो स्कूल कॉलेज खुल गया तो इसका बारे में अब देखिए एक्सपर्ट्स कमेटी क्या कहते हैं। तो प्लीज सेंड आवर कोविड दिस वैक्सीनेशन सो देर शुड नॉट बी एनी गैप, इसको बारे में भी हम चर्चा किया। और एक चर्चा किया है हम जूट इंडस्ट्री का बारे में, बंगाल में 82% जूट ग्रोअर्स है, जूट प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है, हमारा बहुत जूट इंडस्ट्री है, लेकिन जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका एक कैप दिया है, वो कैप देने का बाद फार्मर्स लोग जूट बेच नहीं सकते हैं। और इसी में क्या होता है, जो होल्डर है वो जूट को होल्डिंग करके रखे इंडस्ट्री चलाते नहीं है और इंडस्ट्री बंद हो जाता है और इसमें जूट वर्कर अभी बहुत दुख में है। तो इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर बोला कि हम तो 100% फेवर में हूँ जूट का, जो हमारा ऑल्सो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का भी यही परसेप्शन है कि हम 100% वी आर इन फेवर ऑफ जूट प्रोटेक्शन एंड जूट यूटिलाइजेशन। तो इसी के लिए हमने बोला कि आप जूट कमिश्नर को थोड़ा बोलिए कि इसको नेग्लेक्ट न करके, और जो कैप बनाया जिसमें चासी लोग किसान लोग खरीद नहीं सकते हैं और उसको माल होल्डिंग हो जाता है और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलता है, तो इसका बारे में जूट कमिश्नर को बोलने के लिए उन्होंने भी मेरे को कहा कि आप लोग भी एक राउंड टेबल मीटिंग कर लीजिए सबको बुला के। हम बोला हमारा चीफ सेक्रेटरी ऑलरेडी मीटिंग किया है और द स्टेक होल्डर्स का साथ, और भी आप बोलते हैं तो हम जरूर बोलेंगे। और एक बात मैंने कहा, देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन फेडरल स्ट्रक्चर
पॉलिटिकली आपका साथ हम लोग को जो भी डिफरेंस है, पॉलिटिकली डिफरेंसेस रहेगा ही, पॉलिटिकली डिफरेंस, आपका पार्टी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, हमारा पार्टी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा स्टेट सेंटर का रिलेशन इसमें कोई असर पड़े। तो इसी के लिए स्टेट का डेवलपमेंट होने से सेंट्रल का डेवलपमेंट होता है। तो मैंने हमारा जो BGBS होगा 21 अप्रैल में कलकत्ता में, और BGBS कॉन्फ्रेंस में हम प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया है टू इनॉग्रेट द कॉन्फ्रेंस। इसी के लिए कि अभी इंडस्ट्री का हाल बहुत खराब है। दूसरी बात यह है कोविड का सिचुएशन में इंडस्ट्री का हाल बहुत खराब है। तीसरी बात है बहुत सारे देश आएगा कि नहीं आएगा सोचेंगे, लेकिन अवर स्टेट सेंट्रल मिलके इंडस्ट्री इज माई डेस्टिनेशन, अवर हॉट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट का एक साथ में मिलके कॉन्फ्रेंस कर सकता है। हम खाली बंगाल में नहीं और सारे राज्यों को भी कर सकता है। तो हम तो BGBS 2 साल नहीं कर पाया कोविड के लिए, इस साल में हम PM को इन्वाइट किया है कि आप आइए इसको इनॉग्रेट करिए, हम लोग सब रहेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा BGBS कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री के लिए एक दिशा हो, एक भविष्य के लिए बेरोजगार जो है इंडस्ट्री तैयार करने के लिए जो तैयार है उसको लिए एक रास्ता खुल जाए। कब है सम्मेलन? 20 अप्रैल 20-21 अप्रैल PM ने एक्सेप्ट किया है इन्विटेशन। BSF लेके उन्होंने सुना, कोई चर्चा, हमने जो बोला हमारा बात हम बोला। अरे भाई क्या है, अगर सुब्रमण्यम स्वामी इज ए सीनियर पर्सन, इज ए BJP MP, अगर उन्होंने हमारे साथ भेंट करने के लिए अगर उन्होंने आग्रह प्रकाश करते हैं तो मीट करना क्या खराब होता है? यू कैन मीट एनीबॉडी इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू मीट यू, व्हाट इज द हार्म? पॉलिटिकल डिफरेंसेस मे बी, बट देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देयर, यू फॉरगेट द पॉलिटिक्स, वी मीट ईच अदर, दैट इज आवर डेमोक्रेसी। मैडम लोग के साइड एक एक करो देखो हम एक एक करो देखो हम सुनने नहीं पाए। दीदी सोनिया गांधी और मुलाकात होगी। दीदी आप पिछले दो दिनों में कई दलों के नेताओं से मिले हैं, कई लोग पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या इसको TMC के एक्सपेंशन के तौर पर देखा जाए बाकी राज्यों में? नहीं है, देखिए अगर हम तो किसी को नहीं बोला, लेकिन अगर हमारा पार्टी में कोई आते हैं, अगर कोई पार्टी छोड़ के भी आते हैं, ये उसको अपना का बात है। हम कोई पार्टी को जोड़ने तोड़ने का बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई आदमी उसका अपना सिद्धांत है कि हम तृणमूल कांग्रेस में जाए, तृणमूल कांग्रेस अच्छा लड़ाई करते हैं देश के लिए, तो ये तो ठीक है। दीदी आप नाम আমি জানি না কি ব্যাপার সেন্টার একটা বলেছে যে নাম চেঞ্জ হলে বাইরের জন্য একটা স্কিম আছে তার নাম যদি স্টেট চেঞ্জ করে দেয়। এরকম অনেক স্কিম আছে, একটা কেন বলছেন? দেয়ার আর সো মেনি স্কিমস, যেটা ও সেন্ট্রাল বলে যে আমরা নাম দেব এবং আমার নাম না নিলে তোমায় আমি টাকা দেবো না, এটা একটা না হাজারটা। এই জন্যই তো বললাম যে ফেডারেল, প্লিজ অ্যালাউ মি টু কমপ্লিট মাই স্পিচ ফার্স্ট, সেই জন্যই বললাম যে পলিটিক্যাল রিলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিলেশন ইজ ডিফারেন্ট। ডেভেলপমেন্ট রিলেশনে স্টেটগুলোকে স্ট্রং করা উচিত, স্টেটগুলোর পাশে থাকা উচিত, স্টেটগুলোর সাথে থাকা উচিত। এবং আমি শুধু আমার কথা বলছি না, আমি সকলের কথা বলছি, আর বাংলা এ ব্যাপারে সবসময় এগিয়ে থাকে এবং এগিয়ে রাখে। আমি বলেছি যে ত্রিপুরায় যে ভায়োলেন্স হচ্ছে আপনি দেখুন এই ভায়োলেন্স কেন হবে। मैं त्रिपुरा को एट्रोसिटीज लेके भी बताया प्राइम मिनिस्टर को, उनको जानकारी के लिए कि त्रिपुरा में जो वायलेंस हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे इवन साउनी इज ए वेरी पॉपुलर स्टार, उसको भी 300 to 307 सब अटेम्प्ट टू मर्डर दिया। कोई
प्रेस रिपोर्टर भी जाता है उसको भी घर नहीं मिलता है, उसको भी रहने नहीं देता है, क्वारंटाइन में भेज देता है आरटीपीसीआर के नाम पे। ये बात उन्होंने कहा। दीदी दो राजनीतिक सवाल है, क्या इस बार की विजिट में आप दिल्ली जो आई हैं, पिछली बार आप सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और अरविंद केजरीवाल आपसे मिले थे, इन दोनों से मुलाकात का कोई कार्यक्रम है या आपने सोनिया गांधी से वक्त मांगा? नहीं नहीं, हम कोई वक्त नहीं मांगा किसी से, मैंने खाली प्राइम मिनिस्टर से वक्त मांगे थे कि हमारा स्टेट इशू पे। हम और किसी से वक्त नहीं माने कि मेरे को पता है पंजाब इलेक्शन है, दे आर बिजी, लेट देम वर्क फॉर द। दूसरा सवाल है दीदी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि टीएमसी विस्तार करिए वास्तविक तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे होने के लिए आप लोग कोशिश कर रही हैं, आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आपकी पार्टी से आप ही होंगी? अभी क्यों आप ऐसा चर्चा कर रहे हैं, लेट अस वर्क फॉर द पीपल, यू डोंट वरी। वो बहुत दूर है, इतना दूर का बात अभी से क्यों उड़ाए? लेकिन हमारा भी अधिकार है, हर स्टेट में अगर पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है तो हमारा पॉलिटिकल पार्टी को कोई निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं तो हम जरूर कर सकते हैं, इसमें एतराज का कोई बात नहीं है। मैडम ओ जॉब होगा तब उत्तर प्रदेश इलेक्शन में जॉब होगा, हमारा पार्टी का यूनिट तो उधर में चालू हुआ है, तो मेरे को भी यह है कि हम बनारस में एक दफे जाए, वो दिया जलाने की बात है, गंगा में और शिव मंदिर का दर्शन करने का बात है, तो कमलापति त्रिपाठी का परिवार तो हमारे साथ आ गया है, ऐसे बहुत सारे आए हुए हैं, अगर जरूरत होगा तो आप बताएंगे, अभी बताने का टाइम नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप लोग कैंडिडेट खड़ा करेंगे, टीएमसी वहां पर चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में? हम चाहते हैं कि टीएमसी अगर वो लोग बीजेपी को हराने के लिए मदद दे सकता है तो टीएमसी उसको पास रहेगा, टीएमसी चाहते हैं बीजेपी हरे, लेकिन टीएमसी इसी के लिए हर जगह में नहीं लड़ेंगे, जिसमें जरूरत है उसमें लड़ेंगे। अगर अखिलेश लोग चाहते हैं कि हमारा मदद, तो हम देने के लिए तैयार है। दीदी पिछली बार आप आई थी तो आपकी मुलाकात सोनिया गांधी राहुल गांधी जी से हुई थी? मैंने तो बोल दिया ना, व्हाई यू आर आस्किंग मी ओनली वन क्वेश्चन? कि हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला मैंने टाइम नहीं मांगा, वो लोग बिजी है पंजाब इलेक्शन के लिए, लेट देम बी बिजी फॉर देयर पार्टी वर्क। देखो आपको पर्सनली हम आई कैन नॉट सेटिस्फाई। नहीं नहीं, आई विल कैंपेन ऑन नॉट दैट, आवर पार्टी विल डिसाइड लेटर ऑन, बिकॉज आवर पार्टी इज ऑल्सो ए नेशनल पार्टी, लेट अस डिसाइड इट लेटर ऑन, बट गोवा वी स्टार्टेड, यू नो त्रिपुरा वी स्टार्टेड, हरियाणा ऑल्सो स्टार्टेड, यूपी ऑल्सो आवर यूनिट इज डूइंग देयर, बट आई फील दैट देर आर सम एरियाज वेयर लेट देम फाइट द रीजनल पार्टी स्ट्रांगली, इफ नेसेसरी वी कैन कैंपेन फॉर देम। एमएसपी को लेकर अड़े हुए हैं तो क्या किसानों के हक में एमएसपी का भी कानून लाए सरकार, क्योंकि किसान हम चाहते हैं एमएसपी का कानून के लिए टिकायत लोगों ने जो बोला है टिकायत और हमारा जो साथी लोग बोला है किसान के लिए, हम उसको साथ है बराबर है। अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं ममता जी सबको क्वेश्चन रिप्लाई हम नहीं करेंगे, वो हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट को पूछ लीजिए वो कर देंगे। मैंने बोल दिया जो बोलना बोल दिया, ऑल पॉइंट्स आई कवर्ड, थैंक यू सो मच, और कल हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, हम कल वापस जा रहा हूँ, फिर हम मुंबई जाएंगे, तो मुंबई में हमारा फर्स्ट को प्रोग्राम है जो YPO है हमको इन्वाइट किया है, वो इंडस्ट्री मीट होता है, तो हम जाएंगे, तो उधव को भी हम मीट करेंगे उसको देखने के लिए, उसको तबीयत अभी ठीक है लेकिन मैं उसको देखने जाएंगे, और सारद जी सीनियर लीडर है, सारद जी का पास भी हम मिलने जाएंगे, और YPO को प्रोग्राम का नाम पे जब हम जा रहा है तो ये दोनों प्रोग्राम भी हम इंक्लूड किया है। मैं मुंबई जाएंगे 30 तारीख को रात में, और पहला हमारा ऐसा प्रोग्राम है त्रिपुरा, आई कैन गो एनी टाइम नो प्रॉब्लम, इट डिपेंड्स ऑन माई पार्टी डिसीजन, आई एम नॉट अलोन, तृणमूल कांग्रेस इज अ बिग फैमिली, लेट देम डिसाइड, लेट द त्रिपुरा पीपल डिसाइड, इफ दे वांट आई विल गो, सर्टेनली आई विल गो, एंड यू नो व्हेन देयर वाज अ चेंज, इट इज माय सेल्फ संतोष मोहन देव
and Manoranjan Bhakto, we work together. And that time Tripura other CPM government was changed. Okay? Thank you.